I don't want no combo, I want chess. I don't want the second, I want best. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. तो ये है ब्रेजा का LXI मॉडल। यहाँ पे जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं वो मोर देन सफिशिएंट दिए गए हैं इस बेस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो सारी आपको फीचर्स मिल जाते हैं, रियर रिसीवेंट और टॉप डाउन पावर विंडोज एंड सो ऑन। और ये बेसिकली मॉडिफाइड यानी कि एसेसरीज मॉडल है और इसमें काफ़ी सारी ज़बरदस्त एसेसरीज इंस्टॉल करी गई है। सो हम यहाँ पे आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं, कौन सी एसेसरी यहाँ पे आप शोरूम से करवा सकते हैं, कौन सी बाहर से आप करवा सकते हैं, क्या प्राइस रहेगा इस मॉडल का, और इसके ऑन रोड प्राइस में बाकी और कौन कौन सी कार्स के कौन कौन से मॉडल मिल जाते हैं उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही डिटेल वॉक अराउंड रहेगा और काफ़ी क्विकली भी हम करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो सिल्वर कलर ब्रेजा में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक ऑफर करते हैं एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती है ग्रे कलर की, क्रोम फिनिश यहाँ पे दी गई है एंड दीज आर द हेड लैम्प्स। सो प्रोजेक्टर हेलोजन हेड लैम्प अवेलेबल है, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर में दी गई है और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं विच इज़ इन हेलोजन। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे दीज आर द LED फॉग लैम्प जो कि पार्ट ऑफ एसेसरी इंस्टॉल करी गई हैं क्रोम फिनिश के साथ एंड दीज आर लुकिंग वेरी स्टनिंग। प्रॉपर आपको OEM फिटिंग यहाँ पे मिल जाती है और इसी के साथ यहाँ पे फ्रंट में कुछ ऐसी स्कर्टिंग भी इंस्टॉल करी गई है, इवन फ्रंट में यहाँ पे स्किट प्लेट भी इंस्टॉल करी गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट लुक जो है वो कार की कम्प्लीटली चेंज हो गई है। इवन यहाँ पे आपको हेलोजन लैम्प मिलते हैं, आप यहाँ पे LED बल्ब बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 2000 का, तो उससे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है हेड लैम्प्स की। एंड देन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। सो साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जो एसेसरीज है वो इंस्टॉल करी गई है जिस वजह से कार की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो यहाँ से फर्स्टली मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, वी हैव गॉट दिस क्रोम फिनिश जो विंडो के पास अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट दिस साइड बॉडी क्लैडिंग, यहाँ पे साइड स्कर्टिंग दी गई है जो कि अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी है। यहाँ पे वीर आर्चर क्लैडिंग अवेलेबल है, बेसिकली एडवेंचर पैक का एंड ऑफ ये दिया गया। तो यहाँ पे एडवेंचर पैक की आपको बैजिंग मिल जाती है माउंटेन्स की, यहाँ पे भी सेम बैजिंग अवेलेबल है। और इवन यहाँ पे टॉप मॉडल जैसे सेम अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करे गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है टॉप मॉडल ब्रेजा का और ये है बेस मॉडल जिसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करे गए हैं। सो दीज आर लुकिंग वेरी नाइस। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। आप टायर्स का यहाँ पे साइज भी देख सकते हैं, 16 इंचेस का दिया गया 215/60 R16। ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट दिस डोर वाइजर जो कि अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी है। फ्रंट में यहाँ पे जो ये पिलर दिया गया है, ये पिलर वो आपको ब्लैक आउट नहीं मिलता। टॉप मॉडल आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक आउट पिलर दिया गया, तो यहाँ पे भी आप ब्लैक आउट पिलर करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 400 में ब्लैक डॉट पिलर हो जाता है, टेप इंस्टॉल हो जाती है। इवन डुअल टोन भी आप रूफ करवा सकते हैं, सिल्वर कलर के साथ डुअल टोन भी काफ़ी अच्छा लगता है। देन वी हैव गॉट शार्क फिन एंटेना इन दिस बेस मॉडल और यहाँ पे भी एडवेंचर पैक की बैजिंग माउंटेन्स की, बिग साइज का क्वार्टर ग्लास दिया गया। और गाइज ये है रियर लुक रेंज रोवर की, बिकॉज ये रेंज रोवर की तरह ही लुक ऑफर करती है, यू कैन सी। तो जो टेल लैम्प्स दिए गए हैं दे आर LED इन दिस बेस मॉडल, काफ़ी अच्छी ये लुक ऑफर करते हैं। सेंटर में आपको ब्रेजा की बैजिंग मिल जाएगी, रियर में यहाँ पे स्किट प्लेट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं साइज ऑफ द स्किट प्लेट, ग्रे कलर की यहाँ पे स्किट प्लेट दी गई है। 4 रियर में सेंसर्स मिलेंगे और यहाँ पे टेलगेट पे क्रोम इंस्टॉल करा गया। देन यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग एंड जो टेल लैम्प है आप इसकी लुक देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बटन दिया गया टू ओपन द टेलगेट, सो सिंगल बटन अवेलेबल है, टू अनलॉक लॉक वाला बटन यहाँ पे आपको नहीं मिलता इस मॉडल में। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है एंड देन दिस इज द बूट स्पेस। बूट में भी यहाँ पे कंप्लीट एक मैट इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे जो डस्ट वगैरह है इस मैट में कलेक्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मैट दिया गया है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई हुक अवेलेबल नहीं है, इस साइड आप देखेंगे और यहाँ पे एक हुक दिया गया है। यहाँ पे बूट में कोई लैम्प नहीं मिलता, लैम्प भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइज, वो इंस्टॉल हो जाता है 350 में। एंड कुछ ऐसे आप सीट्स को डाउन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। एंड इवन आजकल एम्बिएंट लाइट भी आप इंटीरियर में इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, तो 1300 की एम्बिएंट लाइट आ जाती है, 2000 में उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छी वाली लाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि फुटवेल पे भी मिल जाएगी, ऑल 4 फुटवेल पे, तो वो भी आप करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट रहती है 3000। और ये है ब्रेजा की मोस्ट स्पेक्टैकुलर लुकिंग प्रोफाइल विच इज़ द रियर प्रोफाइल। एंड गाइज अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आप कोई कार लेने का प्लान करें, आपको उसमें कोई डाउट्स है कि उसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कोई इशू तो नहीं है कार में, कहीं बड़ी बैक एंड में कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि कस्टमर्स तक नहीं पहुंचते, और कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, वो भी 1-to-1 लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन चेक अवर कार कंसल्टेंसी सर्विसेज।
एंड इसी के साथ बात करते हैं गाइज ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो इस कार का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इसी के साथ आप सर्विस कॉस्ट चेक करना चाहते हैं किसी भी कार की, तो हमारी वेबसाइट में मेंशन है कौन सी कार कब सर्विस होती है, क्या उसकी सर्विस कॉस्ट रहती है। जैसे इस कार की जो सर्विस कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। डिटेल में आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस पर कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं, क्या लेबर कॉस्ट रहती है, एंड सो ऑन। सो यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। इसी के साथ बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। सो यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं और यहाँ से हम बोनेट। सो यहाँ पे आपको मारुति में कोई डीजल इंजन नहीं मिलता, ऑल दो हाइब्रिड इंजन आ गया इन ग्रैंड विटारा। सो यहाँ पे 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अवेलेबल है। वी गेट मैनुअल गियरबॉक्स एज वेल एज ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ओवर हियर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड रेडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। फायरवॉल में भी आपको ठीक ठाक साउंड रेडिंग मटेरियल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हीट इंसुलेटेड मटेरियल दिए गए हैं आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ जो अंडरबॉडी इंजन गार्ड है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अब बात कर लेते हैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन यानी कि और कौन कौन से मॉडल आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज़ इंडियाज लीडिंग एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड, तो वो है Bodmo.com। Bodmo.com से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक के सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन 10 डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं। सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें। यहाँ पे सारी एसेसरीज स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल है एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो राइट फ्रॉम द बेस मॉडल ही आपको मिल जाती हैं 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रिटेंशनर एंड लोड लिमिटर, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, डुअल हॉर्न, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स रियर सीट पे दिए गए हैं, साथ में 5-डोर सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी आपको मिल जाता है। बट और ब्रेजा में यहाँ पे 5 कलर्स की हमें चॉइस मिलेगी, जो है सिल्वर, रेड, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रे कलर। डार्क कलर भी ब्रेजा पे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये सिल्वर कलर भी बहुत ही एलिगेंट लुक ऑफर कर रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पे आपको 2 ईयर्स 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। रोड साइड असिस्टेंस आप अलग से परचेज कर सकते हैं, दोनों आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू फुल 5 ईयर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, सो डायमेंशन कंपैरिजन। साथ में ब्रेजा का बूट स्पेस है 328 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 48 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm, टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर्स। एंड अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, दीज आर द कीज। सो सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है, रिमोट की आपको मिल जाती है। कार को ऑन कर लेते हैं। सो ये है डैशबोर्ड के लुक, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ब्लैक कलर की यहाँ पे लेदर सीट अपहोल्स्ट्री इंस्टॉल करवाई गई है, ब्लैक कलर यानी कि डुअल टोन देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और इवन गाइस डैशबोर्ड यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर का दिया गया है, तो यहाँ पे जो सिल्वर एसेंट्स हैं, यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स वो सब यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। वुडन एसेंट्स भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि आपको ऑल ओवर द कैबिन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएंगे, 2500 में वो इंस्टॉल हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ये ऑल ब्लैक इंटीरियर है, यहाँ पे आप डुअल टोन इंटीरियर भी इसे करवा सकते हैं। तो ब्लैक एंड ब्राउन आप करवा सकते हैं, ब्लैक एंड बेज करवा सकते हैं, इवन ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज कोई भी आप डुअल टोन कलर जो है वो आप करवा सकते हैं। कॉस्ट रहती है 20,000, उसमें यहाँ पे आर्मरेस्ट पे भी कंप्लीट कुशन मिल जाता है। अभी फिलहाल प्लास्टिक दिया गया, वहाँ पे कुशनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो बात कर लेते हैं अदर फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स दिए गए दे ऑल आर इल्यूमिनेटेड। एंड साथ में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच दिया गया, ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को। दिस इज़ द फॉग लैम्प स्विच, बिल्कुल जेन्युइन OEM फिटिंग के साथ। एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, देन यहाँ पे हेड लैम्प लेवलर मिलेगा। क्लच फुटर्स दिया गया, दीज आर द ब्रेजा फ्लोर मैट जो कि इंस्टॉल करे गए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, 3D मैट्स हैं ये। ब्रेजा की बैजिंग देख सकते हैं यहाँ पे, 70 मैट्स भी आते हैं जो कि अप टू यहाँ तक की कवरिंग दे देते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। एंड ये है फ्रंट डोर की लुक। सो स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, स्पीकर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बेस मॉडल है, तो स्पीकर आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सोनी के स्पीकर पाइनियर के करवा सकते हैं, अराउंड 2000 का पेयर आपको मिल जाता है। ट्विटर्स भी यहाँ पे आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, अप टू 1000 में काफ़ी अच्छे ट्विटर्स आपको मिल जाएंगे।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट लेदर फिनिश भी आप करवा सकते हैं। अगर आप फुल इंटीरियर नहीं करवाना चाहते, सिर्फ यहाँ पे लेदर फिनिश हो, यहाँ पे लेदर कुशन करवाना चाहते हैं, तो वो हो जाती है दोस्तों 3000 में इन ऑल फोर डोर्स। और ये है ऑटो डाउन एंड ऑटो पावर विंडो, विच इज़ अ नाइस थिंग। बेसिक फीचर्स यहाँ पे सारे दिए गए हैं, पावर डोर लॉक स्विच भी मिलेगा, और यहाँ पे इवन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी मिलता है, तो एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते ऑल दो एडजस्ट हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो जो कंट्रोल है वही आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड, बाकी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड नहीं है। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। एंड दिस इज द व्यू वाइल ड्राइविंग द कार, फुल बोनेट विजिबल रहता है, हमें काफ़ी कमांडिंग व्यू ऑफर करती है ये ब्रेजा। ORVM से जो व्यू है काफ़ी क्लियर है, रियर व्यू मिरर से भी जो व्यू है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड यहाँ पे फ्रंट में कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है, आर्मरेस्ट नहीं दी गई, लेकिन आर्मरेस्ट आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं इजीली, शोरूम से ही हो जाती है इस 2500 में। एंड दिस इज़ द गियर नॉब, काफ़ी प्रीमियम गियर नॉब दी गई है। रिवर्स गियर हम स्लॉट करेंगे तो रियर सेंसर्स का डिस्प्ले इन MID। तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप शोरूम से वायरलेस चार्जर या फिर इवन किसी SST स्टोर से वायरलेस चार्जर इंस्टॉल करवा सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया, यहाँ पे USB पोर्ट अवेलेबल नहीं है बिकॉज इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलता, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे USB पोर्ट इंस्टॉल करवा सकते हैं विद इंफोटेनमेंट सिस्टम, या फिर वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा, तो दोनों जगह आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। चाहें तो यहाँ पे आप एक और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इंस्टॉल करवा सकते हैं 250 में। एंड यहाँ पे मैनुअल AC दिया गया विद हीटर, इवन यहाँ पे भी ऑटोमेटिक AC इंस्टॉल हो जाता है, बट आई वोंट रिकमेंड, वाई टू लाइक वेस्ट एक्सेस मनी, वो भी हो जाता है 12000 में इंस्टॉल। सो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो 15000 से लेके 20000 तक का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वाला लेंगे तो वहाँ पे 20000, अदरवाइज 15000 का आपको मिल जाता है 9 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो किसी भी SST स्टोर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन आप रियर में कैमरा इंस्टॉल करवाएंगे तो उसका आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा। इसी के साथ ये यहाँ पे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सारी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, आपके एंड्रॉइड फ़ोन की तरह ही वो ये वर्क करता है, इवन OEM से भी आपको बेटर मिल जाता है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। एंड इसी के साथ यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया, कूलिंग फंक्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलेगा, डे एंड नाइट IRVM। फ्रंट में यहाँ पे जो कॉन्सोल मिलता है सनग्लास होल्डर वाला एंड टू फ्रंट कैबिन लैम्प वाला, वो हो जाता है इंस्टॉल 2200 में, वो आप करवा सकते हैं। देन देयर इज टॉलर सीट होल्डर, और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक दोस्तों। तो स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे एडजस्टमेंट अवेलेबल है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलती, सो दैट इज़ अ गुड थिंग गाइज। यहाँ पे जो मच रिक्वायर्ड सारे फीचर्स हैं वो अवेलेबल है, तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए, स्टीयरिंग कंट्रोल्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, 2500 से लेके 3000 के बीच में स्टीयरिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, एक मॉड्यूल लगता है, तो आप महंगे वाले ही कोई क्वालिटी कंट्रोल्स इंस्टॉल करो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन गेट दैट एज वेल। ये है हॉर्न साउंड, काफ़ी लाउड दी गई है। देन दिस इज द कंट्रोल फॉर वाइपर, ये है हेडलैम्प के कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लुक ऑफर करता है, सो यहाँ पे बैटरी की इन्फॉर्मेशन इशू करे बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड। देन यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्प्ले होता है, रेंज यानी कि डिस्टेंस टू MTB आपको मिल जाएगा, डिजिटल क्लॉक भी डिस्प्ले होती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, और यहाँ पे डुअल ट्रिप मीटर भी आपको मिल जाएगा। सो काफ़ी फीचर रिच ओवरऑल क्लस्टर दिया गया, इवन जो ब्राइटनेस है कैबिन की हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस नॉब को रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, लो फ्यूल रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई डोर ओपन करेंगे तो जस्ट ऐसा रिमाइंडर मिलता है, बट यहाँ पे कोई एक्चुअल प्रॉपर आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है, वो अपर वेरियंट्स में दिया गया। सो दिस इज़ द कैबिन अगेन, काफ़ी मॉडर्न दिया गया। एंड देन दिस इज़ द रियर डोर, सो अगेन वो उसी पैकेज में इंस्टॉल हो जाएगा आपके रियर में कुशन। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया, दीज आर द पावर विंडो कंट्रोल्स, और काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं ये कंट्रोल्स। अब स्पीकर की स्पेस, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, एंड ये है रियर सीट्स। सो यहाँ पे सीट कवर्स इंस्टॉल्ड है रियर में, बेस मॉडल में समाओ दोस्तों यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दी गई, लेकिन वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं SST स्टोर से 3000 में। एंड इसी के साथ जो रियर सीट्स है दे आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल। सीट कवर्स इंस्टॉल्ड है तो वी गेट पॉकेट एट द बैक, दोनों ही साइड आपको पॉकेट मिल जाती है। एंड ये है रियर AC वेंट, सो दैट इज़ द गुड थिंग गाइस कि बेस मॉडल से ही आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। रियर में 12 वोल्ट पावर सॉकेट आप
इंस्टॉल करवा सकते हैं 250 में। रियर में आर्मरेस्ट 5500 में इंस्टॉल हो जाती है कप होल्डर्स के साथ, जेन्युइन आर्मरेस्ट फ्रॉम सम एसेसरी स्टोर। ग्रैब हैंडल दिया गया है, आपको कोट हैंगर मिल जाता है। सेंटर में हेलोजन लैम्प विथ थिएटर डिमिंग फंक्शन एंड ग्रैब हैंडल विथ कोट हैंगर, सो थिएटर डिमिंग फंक्शन। और ये है डैशबोर्ड की लुक। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट्स, आप मेरे से वन टू वन बात करना चाहते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से आप हमें कॉल करें। एंड साथ में अगर आपको सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, वो लिस्टेड है हमारी वेबसाइट के ऊपर। एंड कोई भी डाउट्स आपके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।